हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर दर्शन चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज 92 लेवल MCQ कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 है। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वैन स्टैंड फॉर, वैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, WWW 4W का क्या अर्थ होता है? तो 4W का जो पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है। अगला क्वेश्चन है, उपयोग में होने पर सॉफ्टवेयर अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। अस्थायी रूप से जो संग्रहित होता है वो रैम होता है, अस्थायी रूप से जो संग्रहित होता है वो रोम होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .docx इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर, .docx MS वर्ड के लिए होता है, .pptx पावर पॉइंट के लिए होता है, .xlx pptx ये पावर पॉइंट के लिए है, xlsx ये एक्सेल के लिए है। अगला क्वेश्चन है, फाइल का नाम बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी है। फाइल का जो नाम बदलने के लिए जो कुंजी होता है, जो शॉर्टकट की होता है, वो F2 होता है। अगला, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो आपका ऑल ऑफ दीज है, सभी इनपुट डिवाइस हैं। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट और एक निबल बराबर होता है, एक निबल चार बिट। अगला है, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पिता हैं डेनिस रिची। अगला क्वेश्चन है, इंट्रानेट या एक्सट्रानेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक अलग होना चाहिए। तो सभी कंप्यूटर में अलग होता है IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, यू कैन हैव अ डिफरेंट हेडर एंड फुटर ऑन ई सीट ऑफ अ वर्कबुक। तो ये सही है, मतलब हेडर एंड फुटर आपके प्रत्येक सीट पर अलग भी हो सकता है, इवन ऑड हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट द नॉर्मल व्यू शो 100% टू वर्ड डॉक्यूमेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है, अधिकतम MS वर्ड में 500% होता है, न्यूनतम आपका 10% होता है। अगला है, अ डिवाइस दैट प्रोवाइड इमरजेंसी पावर टू योर कंप्यूटर कंडीशन द वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो आपके कंप्यूटर पर आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है, वोल्टेज किसी देता शक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, उसे कहा जाता, तो वो आपका UPS होता है, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो फायरवॉल का उपयोग अनधिकृत हमले, मतलब कि अनऑथराइज्ड अटैक्स, मतलब आपका कंप्यूटर कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए प्रोटेक्शन करता फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है, IT स्टैंड फॉर, IT का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन। तो कोबोल जो होता है कॉमर्शियल यूज होता है। अगला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वैसे CPU के 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अगला है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस आपका पेन ड्राइव है। अगला है,
If a word is a type that is not in word dictionary, a baby underline appears below the word, तो वो आपका रेड होता है। अगर कोई वर्ड आपने टाइप किया वो वर्ड कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है या आपने मिस स्पेलिंग किया हुआ है तो वहाँ पर रेड आएगा। अगला है MS Thesaurus Tools in MS Word is used for, Thesaurus जो होता है synonyms and antonyms के लिए यूज़ होता है। अगला है निम्न में से which of the following line spacing is invalid, तो इसमें से सिंगल डबल ट्रिपल होता है बट मल्टीपल नहीं होता है। अगला है अपने आप दस्तावेज को कैसे बढ़ाते हैं, मतलब कि हाउ डू यू मैग्नीफायर योर डॉक्यूमेंट, तो आप व्यू मेनू में जाएंगे वहाँ पे जूम चूज करेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू स्विच बिटवीन द विंडो प्रोग्राम, दो प्रोग्रामों को अल्टरनेट आप कैसे चलाएंगे या कैसे यूज़ करेंगे एक साथ, तो उसके लिए आप एल्ट प्लस टैब यूज़ करेंगे। अगला है कंप्यूटर सिस्टम के साथ निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किलोबाइट का भी किया था, मेगाबाइट का भी किया जाता है और गीगाबाइट का भी। सबसे छोटी इकाई तीनों में से किलोबाइट है, सबसे बड़ी इकाई तीनों में से गीगाबाइट है। वैसे सबसे छोटी इकाई जो होती है मेमोरी की वो होती है बिट, जिसको फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, और उससे भी बड़ा होता है निबल, एक निबल बराबर 4 बिट होता है, और उससे बड़ा होता है एक बाइट, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, उससे बड़ा आपका किलोबाइट, एक किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। अगला है व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, मतलब ये 1 4 times 0 का डेसिमल नंबर क्या होता, तो 16 होगा। निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो 1 into 2 plus 0 into 2 plus 0 into 2 plus 0 into 2 plus और 0 into 2 plus, यहाँ 0 1 2 3 यहाँ पे 4। अब यहाँ आप ऐड कर लीजिएगा 1 plus, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 0, फिर यहाँ भी 0, फिर यहाँ भी 0, और 2 का अगर स्क्वायर 4 है तो इसका मतलब 2 का गुणा 4 बार करेंगे, तो वो 2 × 4 = 8 × 16। अगला है आर रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 1 billion मेमोरी लोकेशंस, तो वो होता है गीगाबाइट लगभग। अगला है इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में कई प्रोग्राम कार्यक्रमों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है, तो वो मल्टीटास्किंग होता है, मतलब एक साथ कई काम करने के लिए। अगला है वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, तो वो होता है ऑथेंटिकेशन। अगला है यदि आप विंडोज 98 को विंडोज XP में परिवर्तित करते हैं तो आप कौन से एक्शन का प्रदर्शन करेंगे, तो उसे अपग्रेड करेंगे, जैसे विंडोज 7 से विंडोज 10 करना है तो उसे आप अपग्रेड बोलते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोलॉग यूज होता है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। अगला है एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन मीडिया, मतलब OMR सीट होता है जिस पर आप मार्किंग करते हैं। अगला है डाटा आमतौर पर समान लेबलिंग किताबों की संख्या आदि में प्रयोग किया जाता है, तो ज़्यादातर आप देखिए नंबरिंग ऑफ बुक्स बार कोडेड डेटा होता है। अगला है द CRT डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड, तो CRT जो था पिक्सल्स होते हैं। अगला है पेरोल सॉफ्टवेयर स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर आर रिलेटेड टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सभी होते हैं।
अगला है PDF स्टैंड फॉर, PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, VGA वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है इसका फुल फॉर्म, इसका एक SVGA भी होता है जिसका सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे। आप उन्हें संग्रहित करके फाइलों को व्यवस्थित करते हैं तो वो आपका होता फोल्डर्स, फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी लैंग्वेज आर एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल बटन बना होगा उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप देख पाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।